अगर आप सरकारी बैंक की शाखा में जाकर कोई भी वित्तीय और गैर वित्तीय काम करवाना चाहते हैं, तो आपका काम न हो पाने की पूरी आशंका है। आज 16 दिसंबर और कल 17 दिसंबर को सरकारी बैंकों में स्ट्राइक रहेगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल करने का ऐलान किया था, जिसको रोकने के प्रयास सफल नहीं हुए। लिहाजा इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की 4000 से भी ज्यादा ब्रांच में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। सरकारी बैंक के कर्मचारियों को वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन या अन्य किसी तरह के बैंकिंग कामकाज के लिए अब शनिवार का इंतजार करना होगा, क्योंकि 2 दिन की स्ट्राइक के चलते बैंक अब 18 दिसंबर यानी कि शनिवार को खुलेगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के प्रदेश संयोजक महेश मिश्रा ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिसके भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बैंक कर्मचारी और अधिकारी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल करेंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक और ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को यह जानकारी पहले ही दे दी थी कि हड़ताल की वजह से चेक क्लियरिंग और फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सर्विसेज पर असर देखा जाएगा और इस परेशानी को 2 दिन के लिए वहन करें। बुधवार को अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के सामने बैंक स्ट्राइक रोकने के लिए की गई बैठक भी विफल रही और यूनियन ने हड़ताल पर जाने के फैसले को कायम रखा। इस बैठक में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल रोकने के लिए जो शर्तें रखी थी, उन पर अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है, जिसके चलते बैंक 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 15।